डियर स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं हम क्लास टेंथ के लिए सब्जेक्ट मैथमेटिक्स को पढ़ना। जैसा कि आप जानते हैं, अभी हम लोग मैथमेटिक्स में वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल को पढ़ रहे हैं। एक्सरसाइज 12.2, ठीक है। एक्सरसाइज 12.2 में क्वेश्चन नंबर, हम लोग पिछले क्लास में बात करें तो क्वेश्चन नंबर 9 तक के किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को कंप्लीट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला जा रहा है, जरा आपको दिखाते चले। एक छतरी लिखा हुआ है, एक छतरी में 8 ताने हैं जो बराबर दूरी पर लगे हुए हैं। छतरी को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक सपाट वृत्त मानते हुए इसकी दो क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। आपको पता होना चाहिए कि छतरी में, यहाँ पे जो छतरी दिया है इसका फिगर आप जरूर बना लीजिएगा, ठीक है। और फिगर बनाने के बाद इसके बगल में एक छोटा सा इसी का फिगर बनाया हुआ है। जरा हम आपको बताते हैं कि ये फिगर क्या है। सबसे पहले ताना जो लिखा हुआ ना यहाँ पे, ये जो ताने लिखा हुआ है, ये ताने का क्या काम है या क्या यूज है, चलिए समझते हैं। सबसे पहला बात तो, जो ताने, जब छत्ते के ऊपर वाला जो पतली सा रहता है ना, जो लोहे का एकदम पतले छड़ से बना हुआ होता है, उसको बोला जा रहा है कि वो छतरी का ऊपर वाला ताने हैं। यानी कुल मिलाकर जो छतरी ऊपर से ये वाला जो ताने लगा हुआ रहता है, जहाँ से पानी नीचे टप टप गिरता है, उसको ताने बोला गया है। तो एक छतरी में 8 ताने हैं जो बराबर दूरी पर लगा हुआ है, ठीक है। और छतरी की त्रिज्या कितने हैं, 45 सेंटीमीटर। और ये 8 ताने लगे हुए दिखाते हैं आपको, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो आप इसका फिगर, छतरी का भी फिगर बनाइएगा और इसके रिलेटेड ये फिगर भी बनाइएगा, और इसमें दिखाइएगा कि टोटल कितने ताने हैं, इसमें 8 ताने हैं और इसके त्रिज्या कितना सेंटीमीटर है, 45 सेंटीमीटर। इसकी दो क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। यानी कि ये जो ताने हैं ना, इसके बीच का क्षेत्रफल निकालना है। चलिए हम आपको यहाँ पे छतरी का फिगर आप बना लीजिएगा, हम सिर्फ और सिर्फ उसके बगल वाला जो फिगर है उसको बनाते हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो इसमें 8 ताने हैं, तो 8 ताने हम बना चुक रहे हैं यहाँ पे, 4 ताने हो गए, 6 ताने और 8 ताने, 8 ताने कंप्लीट हो गए। अब इसमें बोला जा रहा है कि 45 सेंटीमीटर का त्रिज्या निकल दिया हुआ है, तो दो क्रमागत, क्रमागत का मतलब लगातार ताने के बीच की क्षेत्रफल, यानी कि जिसको हम कलर कर रहे बोले तो, इसको कलर कर रहे हैं और इसी के बीच का क्षेत्रफल आपको निकालना है। तो इसका त्रिज्या कितना है, 45 सेंटीमीटर और इसका भी 45 सेंटीमीटर, ठीक है। तो जब दोनों त्रिज्या के बीच 45 सेंटीमीटर यहाँ पे त्रिज्या है, तो एक्चुअली हम लोगों को त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालनी है। तो कुल मिलाकर यहाँ पे लिखिएगा कि दिया है त्रिज्या, कितना त्रिज्या है भाई, 45 सेंटीमीटर, पक्की 45 सेंटीमीटर थी। और थीटा कैसे निकालेंगे, तो एक बिंदु पर हम जानते हैं 360 डिग्री का कोण बनता है, लेकिन ये जो है कितने भाग में विभक्त हो रहा है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ताने हैं तो 8 से भाग दे देंगे, तो कितनी बार में कटेंगे, 45 डिग्री का कोण बनेगा। तो यहां पे त्रिज्यखंड, दो क्रमागत तानों के बीच के क्षेत्रफल लिखेंगे, छाते के दो क्रमागत ताने के बीच का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, इसी का नाम हम लिख सकते हैं त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, जो फार्मूला क्या होता है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल थीटा बाई 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना हुआ, 45 डिग्री, बट्टा कितना, 360। पाई का वैल्यू कितना यूज करना है, तो पाई का तो वैल्यू इसमें नहीं कुछ लिखा है, 3.14, तो यहाँ पाई का वैल्यू कितना यूज करेंगे,
22/7, और r का स्क्वायर है भाई, तो r भी तो 45 है, तो 45 का स्क्वायर। इसको खुद से सॉल्व कर लीजिएगा, जो कट रहा होगा काट देना है, सॉल्यूशन कर लेना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोला जा रहा है, 11 नंबर यहाँ है, किसी कार की दो वाइपर, वाइपर किसको कहते हैं दोस्त? वाइपर आप देखे होंगे कि जब बरसात के मौसम में पानी उनी पड़ता है तो ड्राइवर के जो आगे शीशा रहता है उस शीशे पर वाइपर लगे होते हैं। देखिए कैसे वाइपर लगे होते हैं, ऐसे ऐसे, जैसे मान लिया कि ये शीशा है, जब गाड़ी का ये आगे वाला शीशा रहता है, ठीक है, तो इस कॉर्नर पे भी ऐसे वाइपर लगाया हुआ रहता है, ये हमेशा ऐसे ऐसे करके साफ करता है, और इस कॉर्नर पे भी एक वाइपर लगा हुआ रहता है, ऐसे ऐसे वो साफ करता है इतना दूर, ताकि क्या हो, जैसे ही ड्राइवर आगे जब चलाता है गाड़ी तो बारिश के वजह से वो साफ होते रहे ना, पानी को साफ करते रहे, तो ड्राइवर को कोई दिक्कत नहीं हो आगे चलाने में, आगे देखने में ना, तो उसको वाइपर कहते हैं हम लोग, ठीक है, जो बारिश के दिनों में इसको साफ करते रहता है पानी को। तो वैसे ही बोला जा रहा है 11 में, किसी कार के दो वाइपर हैं, परस्पर कभी आच्छादित नहीं होते, आच्छादित का मतलब है कभी टकराते नहीं है, टकरा जाएंगे तब तो टूट टूट जाएगा, इसलिए आप देखते होंगे कुछ गैप रहता है, ये कभी टक्कर नहीं होते हैं, ये भी चलता रहता है, ये भी चलते रहता है, दोनों कभी टकराते नहीं हैं, ठीक है। प्रत्येक वाइपर की पत्तियां की लंबाई 25 सेंटीमीटर, ध्यान दीजिएगा, इसका भी लंबाई कितना है 25 सेंटीमीटर, और इसका भी लंबाई 25 सेंटीमीटर है, ठीक है, यानी त्रिज्या ना एक तरीके से हो गया। तो यहाँ लिख दीजिए कि दिया है, हमें दिया है कौन सी त्रिज्या, यानी कि आर का मान 25 सेंटीमीटर दे दिया। फिर आगे बढ़ें तो फिर लिखा हुआ है कि और 115 डिग्री के कोण तक घूमकर सफाई कर सकते हैं, यानी बोल रहा है कि कितना कोण बना सकते हैं ये, तो 115 डिग्री का कोण बना रहे हैं, यानी कि ये भी 115 का है, इस भी 115 का है, और दोनों का त्रिज्या 25 सेंटीमीटर है। फिर क्या बोल रहा है, पत्तियों के प्रत्येक बुहार के साथ जितना क्षेत्रफल साफ हो सकता है उसको ज्ञात कीजिए, तो कितना क्षेत्रफल साफ होगा, तो ई वाला भी साफ होगा, ई वाला एरिया माने एक वाइपर इतना साफ करेगा और दूसर का वाइपर इतना साफ करेगा, यानी कि टोटल शीशा का कितना भाग साफ होगा, तो ए गो का निकाल के और दो से गुना कर देंगे, क्योंकि दोनों तो बराबर है ना है, इसलिए आप एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालिएगा और जितना आएगा उसको फिर दो से गुना कर देना है। तो यहाँ पे आप एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल लीजिए, क्योंकि एक त्रिज्यखंड बन रहा है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कौन सी भाई, तो थीटा बटा 360 गुने पाई आर स्क्वायर, थीटा के जगह पे रखिएगा 115, 360 का 360, पाई का मान तो कुछ नहीं बोला तो 22/7 रखना है, आर का स्क्वायर यानी 25 का स्क्वायर जितना आएगा। अब यहाँ पे लिखिएगा कुल क्या बोल रहा था, यहाँ पे प्रत्येक बुहार के साथ जितना क्षेत्रफल साफ हो जाता है वह ज्ञात कीजिएगा, कुल सफाई वाला क्षेत्र, कुल सफाई वाले क्षेत्र, कुल सफाई वाले क्षेत्र कैसे निकालेंगे, तो जितना ए गो का आएगा उससे दो से गुना कर दीजिएगा, ई वाला जितना आएगा उसको दो से गुना कर दीजिएगा, तो वही हो जाएगा हम लोगों का आंसर, क्योंकि कुल क्षेत्रफल जितना साफ हो रहा है वो सबका बताना, तो खाली यही थोड़ा ना साफ कर रहा है, ये भी साफ कर रहा है, ठीक ना, तो ए गो का निकाल के और दो से गुना कर दीजिएगा। उसके बाद आगे क्वेश्चन देख रहे हैं 12 और 13, ये थोड़ा सा हार्ड टाइप में है, इसको हम अगले क्लास में डिस्कस कर देंगे। हालांकि क्वेश्चन नंबर 14 आप देख पा रहे होंगे, ये लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि इस चैप्टर में 14 ही क्वेश्चन है। इसमें आर वाले त्रिज्या आर वाले वृत्त के उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है, यानी कि यहाँ पे ना त्रिज्या का मान कैपिटल आर दिया है, ठीक है, दिया है, लिख दीजिएगा कि त्रिज्या बराबर कैपिटल आर, और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जिसका कोण पी डिग्री दिया है, यानी कि थीटा कितना डिग्री, पी डिग्री, तब बोल रहा है कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल इनमें से ऑप्शन में से कौन है, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल लिखिएगा क्या होता है, तो थीटा बट्टा 360 गुने पाई आर स्क्वायर होता है, तो थीटा कितना रखना है भाई, थीटा रखना है पी डिग्री बट्टे, और 360 गुने पाई का पाई छोड़ दीजिए, और इस आर के जगह पर रखना है कितना,
कैपिटल आर का स्क्वायर। तो देख लीजिए ऑप्शन में कौन है, पी डिग्री बटा 360 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे पी बटा 360 और पाई आर स्क्वायर, इसमें तो हाँ ये वाला हो जाएगा, क्योंकि देखिए दो से ही कटेगा तो 360 ना आएगा, तो इस तरीके से डी ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ टू से गुना कर दिया है तो आपको इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी होगा, क्योंकि दो से इसको काटिएगा तो 360 आएगा। तो इस तरीके से पी बटा 360 गुने पाई आर स्क्वायर ये ऑप्शन हो जाएगा। तो कुल मिलाकर आज आप 10, 11 और 14 कर लीजिएगा, दो क्वेश्चन बच रहा है और ये दो क्वेश्चन कल कंप्लीट हो जाएंगे। तो बाकी फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।